माई चैनल। आज हम बनाएंगे बाजरे की पूड़ी। सबसे पहले हम बेसन की फिलिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हम फ्राई पैन में 1/4 कप तेल डाल देंगे। अब तेल को गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। उसके बाद 1 कप बेसन डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। यहाँ पे हमने 1/2 कप पानी लिया है, इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। जब ये फिलिंग तैयार हो जाए तो हम इसको ठंडा होने देंगे। मैंने यहाँ पे 2.5 कप बाजरे का आटा लिया है, इसको हम अच्छे से छान लेंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन लेंगे, इसको हाथों से क्रश कर लेंगे। एक चम्मच तेल डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथ लेंगे। गूंथा हुआ आटा सॉफ्ट होना चाहिए। हमारी बेसन वाली फिलिंग ठंडी हो गई है, इसको हम हाथों से हल्का सा मैश कर लेंगे। अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। अब हमें आटे का पेड़ा लेना और हमें कुछ इस तरह से इसको शेप दे देना है। अब पेड़े के अंदर हमें बेसन वाली बॉल डालनी है। अब उसको इस तरह पैक करना है। अब उसके ऊपर बाजरे का सूखा आटा लगाना है और इसको धीरे धीरे हाथों से घुमाना है। आप इसको बेलन से भी बेल सकते हैं। अगर आप इसको बेलन से बेल रहे हैं तो इसको जेंटली बेलना है। अब हम इसको धीरे से उठाएंगे और तवे पे रख देंगे। गैस का फ्लेम तेज रखेंगे। दो मिनट के बाद इसको हम पलट देंगे। दोनों साइड हम अच्छे से तेल लगा देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे हमारे बाजरे की पूड़ी तैयार है।